सुप्रभात कक्षा तीसरी। आज हम हिंदी में पाठ 9 शीर्षक कबड्डी इसके बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में आपको कबड्डी मैच के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में बताने से पहले आपको हम कुछ कठिन शब्द और शब्दार्थ के बारे में बताएंगे। तो देखिए आप इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं वो है क्या, कबड्डी, प्रार्थना, अध्यापिका, होशियार, उत्साह, घोषित, समाप्ति, छलांग, बधाई। अब कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उस शब्दार्थ को ध्यान से आपको पढ़ना है। आरंभ, आरंभ का मतलब क्या होता है, प्रारंभ मतलब शुरुआत। उत्साह, उत्साह का मतलब जोश। दृश्य, देखने वाले। प्रसन्नता, खुशी। अनुमान, अंदाजा। सावधान, होशियार। क्षमा, और बधाई, मुबारक। तो आज हमको इस पाठ में कबड्डी के खेल के बारे में पढ़ना है। देखिए हर स्कूल में प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतियोगिता होती है। इस वार्षिक प्रतियोगिता में तरह तरह के खेल खिलाए जाते हैं। तो आपको इसी वार्षिक प्रतियोगिता में एक कबड्डी मैच के बारे में जानना है। एक विद्यालय में वार्षिक प्रतियोगिता के समय कबड्डी का मैच हो रहा था। उस मैच में चार सदन थे, हाउस, जैसे आप बोलते हैं ना आपके हाउस में कृष्णा हाउस, कावेरी हाउस, सरस्वती हाउस, नर्मदा हाउस। आपके स्कूल में जैसे चार हाउस है, ऐसे दूसरे स्कूल में भी चार हाउस थे। उनके हाउस क्या थे, अशोक सदन, टैगोर सदन, रमन सदन और पटेल सदन। अब जब इनपे टॉस हुआ तो क्या हुआ कि अशोक सदन और पटेल सदन के बीच में कबड्डी मैच खेलने का बोला गया। अब अशोक सदन के जो कप्तान थे समर शर्मा और पटेल सदन के जो कप्तान थे नीरज। कबड्डी में 14 खिलाड़ी होते हैं, एक तरफ 7 रहते हैं और एक टीम में 7 खिलाड़ी और दूसरी टीम में भी 7 खिलाड़ी। ये 40 मिनट का खेल होता है जिसमें बीच में 5 मिनट का उन्हें रेस्ट दिया जाता है। तो देखिए जब कबड्डी का मैच हो रहा था तो बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह था कि कौन सी टीम आज विजय होगी और सारे बच्चे चारों तरफ बैठ गए और खेलने वाले बच्चे तैयार होके खेल के मैदान पर आ गए। तो जिन दो सदन के बीच में प्रतियोगिता होनी थी उसमें जो अशोक सदन के खिलाड़ी थे उन्होंने लाल रंग की पैंट और पीले रंग की टी शर्ट पहनी और जो पटेल सदन के खिलाड़ी थे वो काली पैंट और हरी टी शर्ट पहनी हुई थी। अब जो उनके पीटीआई सर थे उन्होंने पहली सीटी बजाई तो सारे बच्चे तैयार होके खेल के जहां पर खेल होना था वहां पर आ गए और दूसरी ही सीटी में सारे बच्चे कोर्ट में खड़े होके खेलने के लिए तैयार हो गए और जैसे ही तीसरी सीटी बजी और वो खेल शुरू हो गया। सबसे पहले क्या हुआ, अशोक सदन का जो खिलाड़ी था वो अशोक सदन का खिलाड़ी जो पटेल सदन के खिलाड़ी थे उनकी ओर देखे। देखिए इस प्रकार से ये होता है कि ये इस प्रकार से कबड्डी के लिए बनाया जाता है खेलने के लिए और दोनों में देखिए सात सात खिलाड़ी होते हैं। ये सात सात खिलाड़ी होते हैं, ये बीच में एक ये बना होता है और इसके इधर ये एक खिलाड़ी रहते हैं और इसके इस तरफ दूसरे खिलाड़ी रहते हैं और जब कोई कबड्डी कबड्डी कहते हुए आता है और उसकी सांस फूट जाती है या लोग उसको पकड़ लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, खेल की भाषा में मरा हुआ। तो जो भी खेल में मरता है उसे इन्हें बाहर ला के यहाँ खड़ा कर दिया जाता है। अगर इस तरफ के खिलाड़ी में से कोई आउट हुआ उसे यहाँ खड़ा कर दिया गया और इस टीम से जो भी आउट हुआ उसको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो इस पाले से उस पाले में कबड्डी कबड्डी कहते हुए जाएगा तो ये जो खिलाड़ी है उन्हें घेरा बनाकर पकड़ते हैं या जो कबड्डी कबड्डी बोलकर आता है वो उनको छूकर चला जाता है। अगर वो छू ही चला गया तो वो मरा हुआ कहलाया या सब लोग मिलकर पकड़ लिए तो मरा हुआ कहलाता है। इस प्रकार से दोनों टीम से बदल बदल कर कभी एक बार इस टीम से एक बार इस टीम से इस प्रकार से इनका खेल निरंतर चलता रहता है। इसके बाद
करने के लिए 5 मिनट दिया जाता है। इस 5 मिनट में पानी पीना है या ग्लूकोज खाना है या आराम करना है, वो आराम करते हैं। फिर 5 मिनट के बाद जब फिर पीटीआई दूसरी सीटी बजाता है तब सब लोग फिर अपने पाली में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब दूसरी पाली में खेल शुरू होता है तो ये चेंज हो जाता है, ये वाले खिलाड़ी इसमें आ जाते, इस पाली में आ जाते हैं और ये वाले खिलाड़ी इस पाली में आ जाते हैं। और इस प्रकार से इनकी प्रतियोगिता चलती रहती है और इनके जितने आउट होते हैं, जितने मरे होते हैं, वो नंबर गिनते रहते हैं और जिसका ज्यादा नंबर होता है वो विजयी घोषित होता है। तो इस प्रकार से जब अशोक सदन और पटेल सदन के बीच में मैच होना था, दोनों तरफ के खिलाड़ी बड़े जोश से उत्साह से खेल रहे थे और जो दर्शक थे जोरों से तालियां बजा रहे थे, बहुत खुश थे, उनका उत्साह बढ़ा रहे थे और जो कबड्डी का मैच था बहुत अच्छा मैच चल रहा था। कभी किसी टीम की तरफ ज्यादा नंबर हो जाते थे, कभी किसी टीम की तरफ ज्यादा नंबर होते। अच्छा क्या हुआ, जब पटेल सदन के खड़े नंबर ज्यादा जा रहे थे लेकिन अशोक सदन के कम जा रहे थे, धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो खेल था पलट गया। अशोक सदन के जो थे खिलाड़ी उनकी तरफ ज्यादा नंबर होने लगे और इनकी तरफ कम होने लगे। और एक बार अशोक सदन का खिलाड़ी जब पटेल सदन के लिए गया तो एक साथ उसने 3-4 लोगों को आउट किया, जिसकी वजह से ये टीम जीत गई। तो ये जो प्रतियोगिता थी, प्रतियोगिता में जब अशोक सदन जीते तो उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बहुत खुश हुए। उनके जो पीटी सर थे, पीटीआई सर ने दोनों टीम के लिए घोषणा की कि दोनों टीम ने बहुत अच्छे से खेला और कोई भी खेल हो उस खेल में एक टीम जीतती है और एक टीम हारती है। लेकिन सबसे ज्यादा खेल के मैदान में ये देखा जाता है कि बच्चों ने खेल में भाग लिया और अपने खेल में कितना अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया। तो इस प्रकार से आपका कबड्डी वाला पार्ट था, तो आप इस पार्ट को पढ़ेंगे तथा शब्दों का उच्चारण करेंगे और शब्दार्थ को याद करेंगे और कबड्डी मैच के बारे में आपकी किताब में जो भी दिया है उसे ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।